हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नया डेरिवेशन लेके आए हैं और ये क्लास 11th का है। और इसमें आज हम क्या देखने को जा रहे हैं, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर 2014 और 15 का आपको कुछ डेटा दे रखा है। और इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि उस डेटा को यूज करके सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ द रिलेटिव मेथड का यूज करके हम लोग सिंपल एवरेज प्राइस फाइंड आउट करने जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको कॉमोडिटी का कुछ डेटा दे रखा है, कॉमोडिटी दिया है एंड कॉमोडिटी का कुछ प्राइस रख दिया है इन क्विंटल्स। आफ्टर देन ये 2014 का है, जो ये है P0 है एंड दिस इज P1। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपका कॉमोडिटी व्हीट, सुगर, राइस, पोटैटो एंड सॉल्ट, ये सब देख रहा है। टोटल 5 कॉमोडिटी है एंड इन ईयर 2014 का जो प्राइसेस पर क्विंटल दे रखा है, तो व्हीट का जो बताया है 800, सुगर इज 1100, राइस इज 400, पोटैटो इज 500, सॉल्ट इज 300, एज सो ऑन। इज इन द ईयर 2015 द प्राइस पर क्विंटल इज मेंशन फॉर द व्हीट इज 900, सुगर इज 1200, राइस इज 600, पोटैटो इज 700 एंड सॉल्ट इज 500। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड आउट द प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर। ये दोनों ईयर का जो है उसका हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। किस तरह से निकालना है, बाय यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हमें इसका रिलेटिव मेथड के थ्रू हमें इनका ये निकालना, प्राइस निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है कि हमें P0 और P1, प्राइस ऑफ 2014 एंड प्राइस ऑफ 2015, इसको हमने इंडिकेट किया P0 से एंड इसको P1 से। तो जब हमें इसका एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या करना, P1 अपॉन P0 इनटू 100 करना होता है। तो आप देखो 800 को डिवाइड P0, तो P0 है आपका 800 एंड P1 है 900। इसको आप 100 से करो, तो जब आप इसको सब ये करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको कुछ वैल्यू आएगा 112.50। उसी तरह सो ऑन। आपको फिर ये करना है, शुगर का निकालना है। शुगर का निकालने के लिए P1 अपॉन P0, तो P1 कितना है 1200 अपॉन 1100 इनटू 100, इसको आप काटोगे तो फिर क्या होगा कि आपका इसका आपका ये एवरेज वैल्यू होगा। तो एवरेज वैल्यू क्या आएगा, 105। उसके बाद फिर से आपको राइस का निकालना है। आपको राइस को निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको सिमिलरली वही मेथड का यूज करना होगा। और फिर इसका जब राइस का मैं निकालूंगा P1 अपॉन P0, तो इसका आपको आया कुछ 150 आ जाएगा। आपको फिर पोटैटो निकालना है, सौ चालीस इसका आ जाएगा। आफ्टर देन आपको सॉल्ट को निकालना होगा, तो सॉल्ट को निकालने के लिए फिर हम सेम प्रोसेस का यूज करेंगे, 500 अपॉन 300 इंटू 100। 300 इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको आप कर दो 166.67। इस तरह से क्या होगा कि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ इस वैल्यू आएगा। तो इस वैल्यू को आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। ये रफ आपको मैं करके बताई हूँ कि P1 अपॉन P0, तो P1 अपॉन P0 जब मैं इसमें किया तो यहाँ 112.50 आया,
यहाँ पर हमारा 9.909 आया। आफ्टर राइस का जब मैं फाइंड आउट की तो 150 आ गया, एंड पोटैटो का आया 140। सिमिलरली इसी मेथड से मैंने किया, यहाँ लगभग मैं की हुई हूँ। एंड आफ्टर सॉल्ट का मैं निकाली 166.67 आया। तो इस तरह से हम लोग क्या किया कि रिलेटिव मेथड का यूज करके आपको ये प्राइस इंडेक्स हमने फाइंड आउट किया, कॉमोडिटी जो दे रखा है 5 कॉमोडिटीज उसका। कुछ अब मैं आपको और एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहती हूँ कि आपका ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फॉर क्लास स्टैंडर्ड 11th एंड 12th के लिए आपको आपको ये व्हाट्सएप नंबर बताया था, इस पे आप संपर्क करिए और आपको 100 रुपये में ही पूरे क्लासेस आपको पर मंथ दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।